Hi guys, this is Vuel, and I'm back with another interesting video. बहुत ही important topic है और मैं इस चीज़ पर एक बार वीडियो बना चुका हूँ, बट क्या होता है कि ये टॉपिक इतना ज़रूरी है, इट्स लाइक अ सीक्रेट, एक बॉक्स में सीक्रेट बंद है ऑफ एक्टिंग, उसको अनलॉक करना है हमें. और इतना आसान नहीं है समझने के लिए. आप धीरे धीरे जब कोशिश करेंगे, जब स्पीड में उतरेंगे, आपको एक्सपीरियंस होगा. और अगर आप सीरियसली कुछ एक्टिंग में अचीव करने की लिए आगे बढ़ेंगे, ना सिर्फ केवल कि आपको एक्टिंग करनी है, आप अगर आर्ट को अचीव करना चाहेंगे, आर्ट को समझने की कोशिश करेंगे, तो ही आप इस सीक्रेट को अनलॉक कर पाएंगे, सीक्रेट को समझ पाएंगे. इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक और थोड़ा एलेबोरेट वीडियो इस पर बनाता हूँ, और आपकी जानकारी के लिए इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि इफ़ आई एम एबल टू डू गुड फॉर एनी वन ऑफ यू, आई विल बी फीलिंग वेरी थैंकफुल टू माई सेल्फ, सेटिस्फाइड. तो क्या होता है कि ये टॉपिक है अबाउट योर कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस. हम लोगों के पास दो तरीके के दिमाग होते हैं. हमारा दिमाग दो तरीके से काम करता है. एक होता है कॉन्शियस माइंड. कॉन्शियस माइंड ये होता है कि आप जो कुछ भी काम सोच समझ के करते हैं ना, आप किसी भी काम को सोचते हैं, सोच के डिसीजन लेते हैं, तो वो आप कॉन्शियस माइंड से करते हैं. लेकिन जो काम करने से पहले आप सोचते नहीं हैं, वो अपने आप हो जाता है. आपको समझ में नहीं आता कि आपने वो किया तो क्यों किया, आपके पास उस चीज़ का जवाब नहीं होता है. कोई भी एक्शन जिसका आपके पास कोई जवाब नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, और आप करते रहते हैं, आप दिन भर चलते हैं, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, किसी से बात करते हैं, सोचे बगैर जो एक्शंस आप करते हैं, वो सारे के सारे एक्शंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं. और जितने भी एक्शन आप सोच के करते हैं, वो सारे के सारे कॉन्शियस माइंड. पर क्या बात है कि आप जब भी किसी से बात करते हैं, कोई एक्शंस लेते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर ड्रिवन बाई योर सबकॉन्शियस. केवल आप जब अकेले में बैठते हैं ना, या कोई मेडिटेशन करता है, कोई अकेले में बैठता है, आप सोचते हैं कि आज जाके मुझे सुबह, कल जाके जल्दी उठना है, लेकिन आप नहीं उठ पाते कि आपने वो डिसीजन कॉन्शियस ले लिया है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं चाहता कि आप जल्दी उठे. तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो कि आप वर्ल्ड में करते हैं, वो सारी की सारी सबकॉन्शियस से होती है. कॉन्शियसली बहुत थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, और जितना ज़्यादा लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, उतना ज़्यादा उनके एक्शंस मोर एंड मोर कॉन्शियस होते जाते हैं. एक ये डिफरेंट चीज़ है, बट मैं ऐसे ही बता रहा हूँ. तो सारी की सारी चीज़ें सब कॉन्शियस होती हैं. हमारी एक्टिंग ही सब कॉन्शियस होती है. लेकिन दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि जब हम लाइन्स याद करते हैं और लाइन्स जाके डिलीवर करते हैं, तो हम वो सारी लाइंस याद करके और सोच सोच के बोलते हैं. और जब वो हम सोच सोच के बोलते हैं वो लाइंस, तो वो सारी की सारी लाइंस हम कॉन्शियसली बोलते हैं, दिमाग से सोच समझ के बोलते हैं. लेकिन अगर वही लाइन आप किसी नॉर्मल बंदे से बात करोगे, अगर आप वो कैरेक्टर में होंगे, और अगर आप किसी इंसान से वो बात कर रहे होंगे, तो आप वो कॉन्शियसली नहीं बोल रहे होंगे, वो आप सबकॉन्शियसली बोल रहे होंगे. लेकिन जब आप एक्टिंग करते हैं, आप जाके ऑडिशंस देते हैं, आप डायलॉग्स बोलते हैं, तब आप सोच सोच के बोल रहे होते हैं, क्योंकि वो आपके अंदर से नहीं आ रही है लाइंस, वो आपने याद करी है, आपके दिमाग में स्टोर्ड है, आपकी मेमोरी में स्टोर्ड है, और आप उस लाइन को डिलीवर कर रहे हैं. तो वो कॉन्शियसली आती है, और वो कॉन्शियसली आने की वजह से आपकी एक्टिंग अननेचुरल हो जाती है, कॉन्शियस हो जाती है. नेचुरल एक्टिंग होती है सबकॉन्शियस. तो क्या करें, हम क्या करें कि हमारी एक्टिंग कॉन्शियस ना होके सबकॉन्शियस हो जाए, अननेचुरल ना होके नेचुरल हो जाए? क्या कर सकते हैं? इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो चीज देखी है ना, ऑडिशंस में लोग जाते हैं, तो क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वो इवन टिल द एंड मोमेंट वो वहां पे बैठे हुए हैं, अब अंदर जाने वाले हैं, कैमरे के सामने जाने से पहले
भी वो लाइंस याद करते जा रहे हैं, याद करते जा रहे हैं, याद करते जा रहे हैं, याद करते जा रहे हैं। उन्हें सबसे पहला डर ये है कि उन्हें वो लाइंस याद नहीं है, उन्हें सबसे पहला डर ये है कि वो लाइंस भूल जाएंगे। आप कभी भी डर लेके जाके ऑडिशन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। प्लीज मेक श्योर आप कोई भी डर लेके अगर अंदर जाएंगे, कमरे के अंदर, ऑडिशन रूम में, कैमरे के सामने, आप अच्छा ऑडिशन नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आप उस समय एक्ट नहीं कर रहे हैं, एक्ट आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स होती है। आप जब अंदर कमरे के अंदर गए, कैमरे के सामने गए, आपके इमोशंस डर के थे, ना कि हंसी, खुशी, गम, कैरेक्टर के हिसाब से नहीं थे। आपके इमोशंस आपके खुद के थे, वो भी डर के। तो आप कभी भी डर के साथ अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकते। दूसरी चीज यह है कि आप बहुत ज्यादा लाइन्स याद करने पर फोकस करते हैं, बहुत ज्यादा लाइन्स याद करने पर फोकस करते हैं। आई बिलीव कि लाइन्स याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर आप अंदर जाने वाले हैं उस टाइम से पहले आपको वो लाइन्स इतनी अच्छी तरीके से याद हो जानी चाहिए कि आप उन लाइन्स को एक तरीके से भुला सकें। मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप उन लाइन्स के बारे में कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। आपको दिमाग में वो लाइन्स नेचुरल हो जानी चाहिए, आपको वो लाइन्स में सोचना ना पड़े। और एक ये भी होता है कि आपको वो लाइन्स याद है बट आप डर रहे हैं कि आप भूल ना जाए, तो उस डर को निकालने की कोशिश करिए। आप प्रैक्टिस करिए अच्छी मेमोरी बनाने की, आप प्रैक्टिस करिए अच्छे लाइंस याद करने की, सो दैट कि आप अंदर जाने से कम 10-15 मिनट पहले उन लाइंस के बारे में सोचना बंद कर सके, उन लाइंस के बारे में सोचना बंद कर सके। प्लीज जो भी आप करने जा रहे हैं ना, प्लीज ट्राई टू फॉरगेट दैट। वहां पे जाके आप बस उन जब आप शुरू करें तो आप उस सिचुएशन को फील करिए, और उस सिचुएशन को फील करके वो डायलॉग्स डिलीवर करने की कोशिश करिए, ना कि सो सोच के। अननेचुरल एक्टर्स क्या करते हैं कि जाते हैं पहले से ही सोच लेते हैं कि मैं जाऊंगा, ये करूंगा, ये लाइन बोलूंगा, यहाँ पे पॉज लूंगा, यहाँ पे रुकूंगा, ये एक्शन करूंगा, ये एक्शन करूंगा, ऊपर देखूंगा, नीचे देखूंगा, ये करूंगा। अगर आप ऐसा करेंगे सर, तो आप करके तो आ जाएंगे, लेकिन व्हाट हैपेंस कि यहाँ पे हजारों लोग लाइन में खड़े हैं। अनटिल अनलेस आपके पास कोई एक्सेप्शनल सोर्स है जिसके थ्रू आप जा रहे हैं, या तो आप कि लकी हो गए, आपकी आपका लुक कैरेक्टर के हिसाब से चला गया, तो उसकी वजह से, या तो आप बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग है और उन्हें कुछ बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग इंसान की जरूरत है, मतलब लुक की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो चीज अगर आपका लुक चला गया अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर, आप एक बार लकी हो गए तो शायद आप सेलेक्ट हो जाए। बट अगर आप इसमें कैरियर बनाना चाहते हैं, आप इसको अपनी लाइफ टाइम कैरियर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो आपको एक अच्छा एक्टर होना ही पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे आपके पास्ट एक्सपीरियंस की कोई वैल्यू नहीं है, आपकी स्किल और टैलेंट की वैल्यू है। आप पे कोई इंसान तभी पैसा लगाएगा, कोई प्रोड्यूसर तभी पैसा लगाएगा, जब आप ये साबित कर सकें अपने टैलेंट से, अपनी कला से, कि आप ऑडियंस को हुक कर सकते हैं। और हुक तभी कर पाएंगे जब आपकी इमोशंस रियल होंगे। अगर आपके खुद के इमोशंस रियल नहीं होंगे तो आप दूसरों को कैसे यकीन दिला पाएंगे कि आप जो कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं? दूसरे कैसे आपके साथ जुड़ पाएंगे अगर आप खुद ही जो हैं उसमें खुद बिलीव नहीं कर रहे हैं? ये करना, ये करना, ये करना, वो लोग ये देखने नहीं आए हैं, वो लोग वो इमोशंस देखने आए हैं, वो फीलिंग्स कैच करने आए हैं, वो अपनी लाइफ के जो उनकी इधर उधर उथल पुथल मची हुई है उससे निकल के आके 200-250 रुपए खर्च करके आते हैं आपके पास, ताकि आप उनको वो इमोशंस दे सकें जो उनकी लाइफ में नहीं है। तो प्लीज 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 ट्राई टू गेट इनटू दैट सबकॉन्शियस माइंड। आई होप यू हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस वीडियो। और आपको सबकॉन्शियस का अप्रोच कैसे करना है कॉन्शियस माइंड के जरिए, आपको कॉन्शियस माइंड की हेल्प लेनी पड़ेगी। आई एम नॉट सेइंग दैट कॉन्शियस माइंड इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपको कॉन्शियस माइंड की हेल्प लेनी पड़ेगी, बट यूजिंग दैट हाउ कैन यू रीच सबकॉन्शियस माइंड। आई एम गोना बी मेकिंग एक नेक्स्ट वीडियो, आई एम सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट
मैं बार बार भूल जाता हूँ इमोशंस के चलते कि कब मुझे इंग्लिश में बोलना है, कब हिंदी में बोलना है, क्योंकि मैं कोई लैंग्वेज प्लान करके नहीं आता, और मेरे लिए इंग्लिश और हिंदी एक जैसी हो चुकी है अभी। एक्चुअली मैं इंग्लिश ज़्यादा बोलता हूँ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है कि मैं हिंदी पे टिक सकूँ। तो जहाँ भी जैसे भी इमोशंस आते हैं वैसे चेंज करता हूँ, तो प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर दैट, बट वट एवर आई एम सेइंग प्लीज़ पे अटेंशन टू दैट, क्योंकि आप एक ऐसे फील्ड में करियर बनाना जा रहे हैं जहाँ पे दुनिया